उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर के सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा भारी संख्या में रक्तदान करने पहुंचे। रक्तदान शिविर का शुभारंभ डॉक्टर दीक्षित एवं प्रांतीय मंत्री गौरक्षा यशपाल राजहंस की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि सेवा चैरिटेबल ब्लड बैंक में भारी संख्या में युवाओं की भीड़ दिखाई दी। इस दौरान युवाओं में रक्तदान करने के लिए उत्साह दिखाई दिया। मौके पर यशपाल राजहंस ने युवाओं को अधिक से अधिक रक्तदान कराने की अपील भी की और युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने एवं अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समाज के हित में कार्य करने के लिए आश्वासन भी दिया। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं राजहंस टीम ने प्रांतीय मंत्री गौरक्षा यशपाल राजहंस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पर्यावरण के बढ़ते तापमान को देखते हुए 151 पेड़ों का वितरण भी किया। ये निरंतर समाज में जब काम करते हैं तो अच्छे काम के नाते समाज में अच्छे लोगों का जुड़ाव होता है। तो ऐसे बहुत सारे मित्रवत और जो भाई की तरह प्यार करने वाले ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा कि जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमें रक्तदान करना है। तो उस प्रयास को और भी आगे बढ़ाया गया और सैकड़ों की संख्या में युवा रक्तदान करने आए हैं और आज सवेरे 151 पौधों का वितरण भी किया गया नगर वासियों भगत सिंह चौक पे। समाज का आह्वान किया कि सभी पौधे लगाएं और तापमान बड़ी तेजी से बढ़ रहा है वातावरण में तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हानि का कारण बनेगा निकट भविष्य में। उसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम सब पौधारोपण करें और रक्तदान के माध्यम से भी समाज की सेवा करें। ऐसा संदेश देने के लिए आज सबको आह्वानित किया गया है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि हम नशे से बचें, नशा ना करें और राष्ट्र और इस देश की संस्कृति के लिए जो हमसे बन पड़ता है, हम चाहे अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपना रोजगार करें, अपना व्यापार करें, देश के किसी भी सुरक्षा की एजेंसी में जाए, आर्मी में, आईटीबीपी में, पुलिस में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति समर्पण रखें, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए जागरूक रहें, नशे से दूर रहें और जब मौका मिले तब समाज और राष्ट्र के हित में काम करें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।